गाजियाबाद और मेरठ के 17 रैपिड ट्रेन स्टेशन से भी चलेंगी 20 सीटर बसें। विभाग ने मांगे संचालकों से आवेदन। गाजियाबाद जागरण संवाददाता। गाजियाबाद रैपिड ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रैपिड ट्रेन साहिबाबाद, गाजियाबाद व गुलदर तीन स्टेशन 17 रूट पर 114 बसें चलाने की अनुमति मिलने के बाद अब परिवहन अधिकारी अन्य स्टेशन से भी बसों का रूट तय कराने की काव्यात में जुट गए हैं। गाजियाबाद जिले के सीमा में आने वाले 4 अन्य स्टेशन दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण व मोदीनगर उत्तरी और मेरठ जिले की सीमा में आने वाले 13 स्टेशन मेरठ दक्षिण, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुर, एमईएस कॉलोनी, दरौली, मेरठ उत्तरी, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो से बस चलाने की तैयारी है। आरटीओ गाजियाबाद अरुण कुमार ने बताया कि मेरठ मंडलायुक्त के निर्देश अनुसार दोनों जिलों के 17 रैपिड ट्रेन स्टेशन से बसें चलाने के लिए रूट तय करने एनसीआरटीसी के अधिकारियों को पत्र भेजा है। सर्वे के बाद एनसीआरटीसी रूट और बसों की संख्या तय करेगी। इसके बाद प्रस्ताव को आगामी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखकर पास कराया जाएगा। बैठक में हरी झंडी मिलने पर रूट तय हो जाएंगे। प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर रैपिड ट्रेन के सभी रूट पर सिर्फ प्रत्येक बस की क्षमता 20 सवारी की होगी। आरटीओ गाजियाबाद ने बताया कि साहिबाबाद, गाजियाबाद व गुलदर स्टेशन से 17 रूट पर बस चलाने के लिए अनुमति मिलने के बाद 15 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। निजी बस ऑपरेटर के अलावा यूपी रोडवेज भी बसों के संचालन के लिए आवेदन कर सकता है। उक्त तिथि तक जितने आवेदन प्राप्त होंगे, अगर वह सभी मानकों पर खड़े उतरते हैं तो उन्हें परमिट जारी किए जाएंगे। इन तीन स्टेशन से बसें चलने से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना राहत मिलेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।